जेठानी बन के घुमाऊंगी। तो यही दृश्य देखने के लिए सभी लोग बहुत ही दूर दूर से आए रहते हैं। सभी लोग कमेंट करते हैं कि मोनिका को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते हैं। पहाड़ों की महिलाएं मेले का इंतजार करती है फास्ट फूड खाने के लिए। खर्चा भी चाहिए नहीं। अगर आप दूर के होते तो आपने हमारे यहाँ पे आना था फिर। तो चलिए जी, इस दुकान से मैंने इतनी शॉपिंग कर ली है। सासू जी, प्रीति बहू क्या लेके आई आपको? आज मैंने अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहन रखा है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनाण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। मौसम सुबह से बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ आज हमारे गाँव में भगवान श्री वामन के जन्मोत्सव का मेला है, यानी कि वामन द्वादशी मेला है, जिसको कि हम अपनी गढ़वाली भाषा में यगास मेला बोलते हैं। इसी के साथ त्रियुगीनाण गाँव और सामने की पहाड़ के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज गांव में मेले की वजह से खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। सभी लोगों के घर पर मेहमान आए हुए हैं और सामने वाली पहाड़ियों पर देखिए ऊपर ऊपर बादल लगे हुए हैं। जहां तक वो बादल लगे हुए हैं बारिश की वजह से वहां वहां तक बर्फबारी हो रखी है, इसलिए यहाँ भी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। आज सुबह से हमारा काम सिर्फ घर में खाना बनाने का रहा। ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया और काफ़ी सारे मेहमान लोग आए हुए थे, उनको खाना भी खिला दिया है। सभी लोग जा चुके हैं और उसी के बाद हम तैयार हो पाए हैं। प्रीति अभी यहाँ पर तैयार हो रही है। प्रीति मैं चलती हूँ, ठीक है, मेले में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी आपको जल्दी जाना ही चाहिए, आप गांव के प्रधान जो हो। बिल्कुल, वैसे तो प्रीति ने पहले भी यगास का मेला देखा हुआ है, लेकिन शादी से पहले जब मेरे घर पर मेहमान बन के आती थी और अब ये घर इसी का घर है, तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम यगास के मेले में जाएंगे। ठीक है, मैं घुमाऊंगी तेरे को। हाँ बिल्कुल, हाँ घूमेंगे, जेठानी बन के घुमाऊंगी। हाँ अभी तो बहुत सारी चीजें भी लेनी है। हाँ बहुत सारी चीज, दोनों साथ करेंगे शॉपिंग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तब तक मैं चलती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंतजार करते हैं। बाले सर आ जा, ठीक है। जैसे ही मैं अपने घर से यहाँ मेन रास्ते पर आई तो इस रास्ते पर आज खूब चहल पहल देखने को मिल रही है और हमको यहाँ रास्ते में 2 धियानी देखने को मिल रही हैं। कैसे हो? आगे मेले में। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ मार्केट साइड, मार्केट की चहल पहल देखने के लिए और साथ ही मंदिर की तरफ भी जाएंगे और आपको श्री त्रियुगीनाण भगवान जी के दर्शन करवाएंगे। गाँव की पहली दुकान है हमारे नारायण देवर जी की, तो उनसे मिल लेते हैं। जैसा उनका नाम है वैसे उनके गुण भी हैं। ये देखो जी, हेलो देवर जी, कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा, खूब मिठाइयाँ बना रखी हैं, लड्डू, शक्करपारे और क्या क्या, बालूशाही और यहाँ बर्फी वगैरह सब बना रखी है। चलिए जी, शाम को ले जाते हैं, पक्का है ना जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आज गांव की गलियों में काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई हैं और बच्चे देखिए आइसक्रीम खाने लग गए हैं, इनका मेला यही होता है। हेलो, कैसे हो बच्चा पार्टी, मज़ा आ रहा है आइसक्रीम खाने में? तो जैसे ही हम इधर मंदिर साइड आए और यहाँ देखिए सभी श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन करने के लिए बिल्कुल अपनी जगहों पर खड़े हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो छत में अपनी जगह बना दी है क्योंकि बाद में जगह मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। सामने पर जितने भी लोग लाइन से खड़े हो रखे हैं वो सभी लोग निसंतान दंपति हैं। आज के दिन पर श्री क्षेत्रपाल महाराज जी और श्री वामन भगवान जी नर रूप में अवतरित होकर सभी भक्तजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं और साथ ही निसंतान दंपतियों को पुत्र पुत्री होने का फल भी देते हैं। मंदिर के अंदर जितनी भी मुख्य मूर्तियाँ होती हैं उनको कुछ इस तरह से थाल में रख कर मंदिर की परिक्रमा कराई जाती है और इसको हमारे यहाँ थाल परिक्रमा बोलते हैं। तो यही दृश्य देखने के लिए सभी लोग बहुत ही दूर दूर से आए रहते हैं। तो बोलिए भगवान श्री त्रियुगीनाण जी की जय हो।
वैसे तो इस मेले का इंतजार गांव का हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन खास तौर पर इस मेले का इंतजार करते हैं हमारे गांव की धोदियाणियां, यानी कि इस गांव की बेटियां, जो कि अपने ससुराल दूर दूर रहती हैं और मेरे ब्लॉग के माध्यम से अपने गांव को हमेशा देखती हैं। बहुत बढ़िया लगा सभी से मिलकर, बहुत खुशी हुई, और बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, ये देखो इनको खिलौने चाहिए बोला, और खिलौने दिलाने हैं तो इनको खिलौने ज़रूर दिलाएंगे क्योंकि आज इनका भी दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेले का सार्थक अर्थ यही होता है, एक दूसरे के साथ मिलन, दूर दूर से लोग आए रहते हैं, सभी दीदी बुली लोग, सभी दोदियाणियाँ यानी कि गाँव की बेटियाँ एक दूसरे से मुलाकात कर लेती हैं, और भगवान श्री त्रिगुणनाथ की कृपा से आज इस मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो रखी हैं सभी लोगों से मिलकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सभी लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। अभी देखो मेरे पीछे सारी हमारी दियाणियाँ हैं, सभी नर्द जटो हैं, और सभी खुश रहिए और इस मेले का इंतजार सभी लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलो बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से मिलके। थैंक यू सो मच। पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल दमाओं की थाप और नारायण भगवान के जयकारों के साथ सभी लोग थाल के साथ मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान वामन जी ने और भगवान श्री क्षेत्रपाल महाराज जी ने सभी निसंतान दंपतियों को फल दे दिया है, और अब मेला समापन की ओर है। अभी भगवान जी ताड़ा लगा रहे हैं, हमारे गढ़वाली भाषा में ताड़ा बोलते हैं, जौ और चावल को मिक्स किया रहता है तो उसको ज़ोर से चेहरे पर लगाते हैं। ऐसा विश्वास है कि जब वो ताला लगता है ना तो मन में और शरीर में जो भी बुरी शक्ति रहती है वो दूर चली जाती है। आज के दिन पर सभी दोदियाणों को ब्रह्म कमल प्रसाद के रूप में मिलते हैं, तो कैसा लगा इस बार का मेला? भगवान नारायण की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, दोदियाणों पर खासकर बनी रहे। हमारे भाई जी भी आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए मेले में, कैसा लगा आपको? एक लाइफ में नया तजुर्बा, नया माहौल, और जो मतलब लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके दोबारा। ठीक है, ओके। आज का मेला बहुत ही बढ़िया रहा, सभी लोगों ने भगवान श्री त्रिगुणनाथ जी का आशीर्वाद लिया, और यहाँ से मेले का समापन हो गया है। अब मैं चलती हूँ मार्केट साइड, वहाँ का माहौल भी आप सभी लोगों को दिखा देते हैं, और मार्केट साइड हम जाएंगे इन दोनों भूली के साथ। चलो शॉपिंग करने चलते हैं। वैसे भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। हाँ। गुड़िया ला रखी है? नहीं, बच्चों के लिए। मैंने सोचा आपने ले ला रखी गुड़िया, रिश्तेदारों के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिन के टाइम तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम हो गई है, और सभी दीदी बुली लोग सिर्फ अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, चूड़ी माला बिंदी ये सब चीज़ खरीदने में लगे हुए हैं। कान के छेद बंद हो गए। अच्छा चलो कोई नहीं, फिर से छिदवा देना। ओके फिर से बंद हो जाएंगे। अच्छा कान पे नकली सूट नहीं करता। अच्छा मतलब ओरिजिनल चाहिए, सोने का चाहिए तो सोने का हम शादी में देंगे बतेरे को। हाँ अच्छा तो चलिए जी, चलते चलते मेले में मोनिका और दीदी भी मिल गए हैं। कैसे हैं? बढ़िया। कैसा रहा मेला? अच्छा रहा मेला। अच्छा अच्छा तब ठीक है, और क्या हो रहा? कुछ नहीं। हाँ अब मेले में खरीदारी करते हैं। मोनिका घर पे आना, ठीक है? खाना खाने के लिए क्यों नहीं आई, मैंने बोल दिया था। ऐसी हो रही तबीयत? अरे एक बार इसका चेकअप करवाना पड़ेगा। नहीं बोला इसको, बोला तो था इसको देहरादून चल, नहीं आ रही तो क्या? दोस्तों ये दो बार मैंने बोला, वही तो मैंने तो पहले से कितनी बार बोल दिया। सभी लोग कमेंट करते हैं कि मोनिका को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाते हैं, आरती को तो खूब लेके जाते। मामी ने बोल दिया था मेरे को देहरादून जाने के लिए, लेकिन मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी है तो मम्मी ने बोला कि पढ़ाई जरूरी है। अब देखिए जब इंटर किया था तब बोल दिया था मामी ने कि देहरादून चल हमारे साथ, तो कोर्स वगैरह करेगी वहाँ से। वही तो, लेकिन होता है हर कोई अपनी घर की परिस्थिति के अनुसार चलता है, अपने घर के हिसाब से चलता है। माँ का कहना भी मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर बच्चे इधर उधर चले जाएंगे तो माँ भी किसके सहारे रहेगी, है ना? तो अब घूमते हैं, खर्चा भी चाहिए? नहीं। मेरी पोटली खत्म हो गई, आज तिजोरी खत्म हो गई। मेले में दोनों बहनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कैसा रहा मेला? बढ़िया रहा। शहरों में रहने वाले लोग बहुत बार फास्ट फूड खाते होंगे, अलग अलग प्रकार के फास्ट फूड खाते होंगे, लेकिन पहाड़ों की महिलाएं मेले का इंतजार करती है फास्ट फूड खाने के लिए। कैसे हो रही चाउमीन? अच्छा मोमो भी खा रहे? सिर्फ चाउमीन?
चाउमीन सबकी फेवरेट है भाई। चलो मस्त मजे से चाउमीन खाओ। और ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा चाउमीन खाते हैं या हफ्ते में खाते हैं, साल में खाते हैं भाई। नहीं तो कोदे की रोटी खाते हैं इतनी मोटी मोटी, तभी तो ताकत आएगी। हाँ जंगल जाने के लिए ताकत तभी आएगी। अभिषेक ने अपने हाथ में बड़ी सी गन पकड़ी हुई है जैसे छोटा बच्चा होगा। अभी तो रियल वाली गन पकड़नी है भाई, है ना? पकड़ेंगे रियल वाली गन भी। चलो बढ़िया, निशाना लगा दो। किस पे लगा रहे? इसको चिढ़ा रही थी मैं। कैसा रहा मेला? बढ़िया रहा। खर्चा दे दो यार मुझे। गूगल पे है। गूगल पे है, चल यार गूगल पे ही कर दे। नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा यार इसके बहाने तो। तो यहाँ मेले की भीड़ में अभी हमको जेठो जी भी मिल गए हैं, और जेठो जी की शॉपिंग दिखाती हूँ मैं आपको। एक कढ़ाई, दो दराती। जेठो जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हैं। सब बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं। चलो चाय पीने, खाना खाने। अभी ना यार, इनके यहाँ भी बहुत मेहमान आ गए। आधा आधा मेहमान तुम्हारे घर पर गए, आधा आधा हमारे घर पर। हाँ ऐसे ही होता है मेले के दिन, एक ही गांव में तो ऐसे ही होता है। अगर आप दूर के होते तो आपने हमारे यहाँ पे आना था। फिर बिल्कुल बिल्कुल। और आज जेठो जी पिंक कलर के सूट में बहुत सुंदर लग रही हैं। हैवी चुन्नी ओढ़ी हुई है ना, इसलिए बहुत मस्त लग रहे हैं। बहुत हैवी चुन्नी थी। हाँ अच्छा अच्छा मैं जेठो जी के साथ मजाक कर रही थी। ये कढ़ाई मुझे दे दो, ये बहुत अच्छी कढ़ाई है। ये देखो सुंदर सी कढ़ाई ले रखी है। कितना बोल रहे थे वो? 400 जो मैंने 200 मार। देखो इतने सस्ते में ले ली, 200 में ले ली। बहुत बढ़िया। क्या 1200 की मिठाई लाए? मिठाई 1200 की। ये देखो सभी मेहमानों के देने के लिए। और आप भी अपनी मिठाई लेने के लिए आ जाना, ठीक है? आप भी आ जाना अपनी हिस्से की मिठाई लेने के लिए। सेब वगैरह रखे हैं। आज मेले के दिन सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में हैं। गांव की दीदी बुली लोग भी बहुत खुश नज़र आ रही हैं, छोटे बच्चे भी खुश लग रहे हैं। और इधर साइड से घूम घाम के अब चलते हैं घर की ओर। और मैंने ना कुछ भी नहीं खरीदा, लेकिन सारे रुपये ख़त्म हो गए हैं। हमारे इधर साइड जब मेले होते ना तो धोधियाणी जो भी नाना जठो जी लोग होते हैं ना, उनको शगुन का लिफाफा देना ही होता है, तो सभी को बांट के आ गई। अभी देखिए पूरा नीला नीला आसमान दिखाई देने लग गया है, और सनसेट की लालिमा इन बादलों पर बहुत ही सुंदर लग रही है। साथ ही चांद भी निकल आया है, और प्रीति अब जाके मुझे मिल रही है। प्रीति कहाँ जा रही थी? अरे मेले में इधर उधर देख रही थी क्या क्या सामान है। अच्छा खरीदा कुछ भी नहीं है? नहीं खरीदा। चलो सासू जी के लिए खरीदा। अच्छा चलो अब वहाँ पर से खरीदारी करते हैं। सासू जी के लिए मैंने एक पर्स खरीदा रुपए रखने के लिए। मैंने कहा बुआरी रुपए देगी सासू जी को, सासू जी को संभालने के लिए हो जाता है ना। हाँ वही तो। चलो तो सासू जी ने यहाँ पर काफी सारी खरीदारी कर ली है। एक घनुली भी खरीद ली भैंस के लिए। चलो बढ़िया। और दराती भी, कुदाल भी, तसला भी, बहुत बढ़िया। ये लो ये अपनी भैंस पे लगा देना। अच्छा। आज हमारे गांव के सभी देवर जी जेठ जी लोग लगे हुए हैं मिठाइयाँ बेचने पे। कितनी मिठाइयाँ बनाई आज? 10-12 क्विंटल। अच्छा चलो बढ़िया। यहाँ पर जलेबी, लड्डू, शक्करपारे, बर्फी सब बना रखी है, सब लोग लगे हुए हैं। चलो बहुत बहुत बधाई मेले की। एक डायलॉग सुनो। हाँ नारायण भगवान का उहाय जन्म बनाया सकल पारा, खाड़ी पेड़ी कुछ नहीं पकड़ाए तो सकल पारा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं और प्रीति आ गए हैं अब खरीदारी करने के लिए। यहाँ से हम तसले, कढ़ाई वगैरह ये सब चीज लेंगे। और प्रीति क्या देख रहे होगी? कढ़ाई मैंने छिड़ दी तो नहीं हो रही। अच्छा भाई जी भी खुश हो गए। यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी कढ़ाई भी है, लोहे की कढ़ाई। सरोज भी लेगी? नहीं मैंने तो ले लिया। अच्छा अच्छा सरोज ने खाली झाड़ू लगाना है बस बस। तो चलिए जी इस दुकान से मैंने इतनी शॉपिंग कर ली है, धन्यवाद भाई जी का। और ये सब चीज हमारे काम आने वाली है। तसला लाई, लोहे की चीज लाई। लोहे की कढ़ाई नहीं थी घर में, एक थी वो बहुत पुरानी होगी थी। तो अब चलते हैं। चल ए नान बन अभी चेना, बन अभी चेना, बर्तन ले लो। अच्छा मिठाई नान देवर जी मिठाई बेच रहे हैं और मैं बर्तन बेचने चलती हूँ। बर्तन ले लो। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, और फाइनली हम घर पे भी पहुँच गए हैं। और अब चलते हैं डायरेक्ट सासू जी को मिलने के लिए, क्योंकि मैं सासू जी को मेले से कुछ लेकर आई हूँ। और प्रीति भी कुछ लेके आई थी। ये देखो चूड़ी पहनाने पे लगी हुई है सासू जी को, और पुराने कंगन निकाल दिए, और यहाँ पे सिंटी भी लगी हुई है। ये हमारी भांजी लगती है।
सासू जी की भतीजी की बेटी। सासू जी प्रीति बहू क्या लेके आई आपको? चूड़ी। हाँ पर्स। पर्स बताओ, पर्स बताओ। ये देखो जी सासू के लिए बहुत सुंदर पर्स आया है, खूब रुपए रखना है। और इस पर्स पे इसी के दिए हुए रुपए रखना। अब मैं आपको ये लेके आऊँ, लो। क्या कह रही है? अब पर्स भी मैं अभी ला रही थी पर्स, इसने बोला मैं लेके आ गई हूँ। हाँ तो मैंने बोला इतना पर्सों का क्या करेंगे सासू जी, पहले देखो ना क्या ला रखा मेरा। हाँ मेरा ला रखा एक परांदा, एक परांदा ठीक है धूप में पहनने के लिए, और एक चोटी ला रखी आपके लिए। ये देखो ये सुंदर सी चोटी, नाचना नहीं मनो। ये देखो ये मेरी है, ये ग्रीन वाली मेरी है, ये ब्लैक वाली आपकी है। अच्छा ये सुंदर नए जमाने की चोटी है ये। हमने इसके अलावा और कुछ भी शॉपिंग नहीं की। बर्तन लाई, मैं बर्तन देख लिया आपने? ठीक है बढ़िया लाई ना, लोहे की कढ़ाई वगैरह जो हमारे घर में चाहिए थी। और अब फटाफट से डिनर बनाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में भी जाना है। और आज तीसरे दिन का प्रोग्राम है, आज फाइनल प्रोग्राम है। और ऐसे दिन अब सीधे एक साल के बाद आएंगे, और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं वो दिन हमारे बहुत खुशहाली भरे हों, हमारे घर परिवार में सब सुखी रहे। हाँ रात के लगभग 9:30 का टाइम हो गया है, और डिनर करने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अभी मेरी तैयारी हो गई है सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने की। आज अंतिम दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो आज मैंने अपना पारंपरिक पहनावा लवा पहन रखा है। और यहाँ ना रात होते ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा है। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कामलू भी बोलते हैं, लवा भी बोलते हैं। बिल्कुल मोटा सा है, ऊन का है, तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। तो प्रधान बड़ा नाता में आज सभी जथा भी मेरे गुरु की दीदी बोली छिन, जथा भी सभी जथा भी सम्मानित जन छिन, आप लोगों ने मेरा बहुत प्यार और सम्मान दिली, बहुत अतिथि सत्कार करा था सभी लोग जथा भी छिन। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर जानू। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इसके बाद इसी के साथ बामन द्वादशी मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन हो गया है। भगवान श्री त्रियुगीनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। और इस मंच पर गांव की दीदी भुली लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी। सब चीज़ देखकर मन बहुत ही गदगद हुआ। ग्राम प्रधान होने के नाते मेरे कार्यकाल में ये मेरा आखिरी कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से इसका समापन हुआ, सभी लोग जा चुके हैं। और जो इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी हैं भाई जी लोग लगे हुए हैं सारे सामान को पैक करने पर, बहुत ही अच्छा लगा सभी भाई जी लोगों का, धन्यवाद धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड, जय श्री त्रियुगी नारायण।